डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। गुजरात चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि गुजरात चुनाव में मोदी जी की लहर है। वहीं पहले फेज के रुझान में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। गुजरात में विपक्ष है ही नहीं और मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात के मुखिया के रूप में जानी जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी पहले के सभी रिकॉर्डों को तोड़ने वाली है। गुजरात में भाजपा 150 से ज्यादा सीट जीतने वाली है। गुजरात में देशभक्तों और राम भक्तों की जीत ही होगी। वहीं इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के जय श्री राम के बयान पर भी पलटवार किया है। वो एक बार पुनः भगवान को भी विवाद में लाना चाहते हैं और दिक्कत यही आ रही है कि वो श्री राम का अर्थ तो जानते नहीं है। श्री का मतलब ही लक्ष्मी जी होता है, परंतु मुख्य मुद्दा यह है कि इससे ज्यादा ओछी बात और क्या हो सकती है कि आप सीता मैया को महिला करा रहे, वो देवी हैं। मुद्दा तो यही है, दिक्कत तो यही आ रही है कि राहुल गांधी में इतनी अकल ही नहीं है कि वो देवी देवताओं को पुरुष और महिला के रूप में देख रहे हैं। राम देवता हैं, सीता मैया देवी हैं, और वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है उनकी सोच पर। उनकी जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो उनको बिल्कुल पूरी तरह डुबाने में लगे हुए हैं। श्री राम में जो आगे श्री लगता है वो स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है। राम विष्णु के अवतार है। श्री राम का मतलब ही है विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में, पर वो क्या जाने। अच्छा, फिर उसके बाद आप सीता को केवल एक महिला के रूप में स्थापित करना चाह रहे हो, राम को केवल एक पुरुष के रूप में स्थापित कर रहे हो। अरे राहुल गांधी, सीता मैया महिला ही नहीं देवी हैं, वो अवतार के रूप में आए, भगवान हैं। आप भगवान और पुरुष का, भगवान और महिला का, देवी और महिला का, देवता और महिला का कंपैरिजन कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि राम भगवान है, राम भगवान के अवतार है। मुझे लगता है यही तो दिक्कत आ रही है। त्रिकुंट लगा देने से और कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से आप हिंदू धर्म को जान नहीं सकते, ये बहुत गहरा है। राहुल गांधी जी को चाहिए कि अपनी यात्रा में कुछ अकल लगाकर काम करें। अब ये बात भी सही है, जब उनके इर्द गिर्द हिंदू विरोधी दिग्विजय चलेंगे तो उनसे क्या अपेक्षा करोगे आप? उनके इर्द गिर्द वो लोग चलेंगे जो हिंदुओं का अपमान करते आए, तो आप उनसे और अपेक्षा क्या करोगे? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने कराई? उस पादरी ने कराई जिसने हजारों हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। तो आप देखिए, मैं काफी समय से गुजरात में था। जबरदस्त मोदी लहर है। गुजरात की जनता डबल इंजन की सरकार को और मजबूती के साथ गुजरात में स्थापित करने का मन बना चुकी है। पहले फेज में जिस प्रकार से रुझान आया है उसमें तो भाजपा जीत ही रही है, और कल जो 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें भी जबरदस्त भाजपा को जीत मिलने वाली है। गुजरात में कोई अपोजिशन है ही नहीं। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही भाजपा को समर्थन दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एक राजनेता के रूप में ही नहीं है, बल्कि गुजरात के मुखिया के रूप में घर घर में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है और माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के पूर्व के सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बहुमत के मामले में यदि पुराना इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सोलंकी जी ने 149 सीटों का रिकॉर्ड बनाया था, वो भी भाजपा तोड़ने वाली है। भाजपा अपना रिकॉर्ड तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी, कांग्रेस की पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड भी तोड़कर 150 से ज्यादा सीटें गुजरात में जीतने वाली है। और विकास और कल्याण की राजनीति की शुरुआत जो नरेंद्र मोदी ने की थी उसके प्रति एक बार पुनः मोहर लगने वाली है। निश्चित रूप से गुजरात की जीत देशभक्तों की, राम भक्तों की, राम को प्यार करने वाले और देश को बड़ा देश बनाने वालों की जीत होगी। और निश्चित रूप से गुजरात के चुनाव
इस देश की राजनीति में दूरगामी परिणाम दिखाएंगे। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा से इसका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर उस वीर, उस शहीद का सम्मान करती है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। टंटिया मामा एक वो वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो आदिवासियों के हीरो हैं और ये हम पहली बार नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है। कांग्रेस ने केवल आजादी की लड़ाई को एक परिवार तक सीमित करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल ये स्थापित किया कि नेहरू और नेहरू के परिवार ने ही इस देश के लिए कुछ किया। उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। टंटिया भील हो, बिरसा मुंडा भगवान हो, रानी दुर्गावती हो, अवंतीबाई हो, ऐसे हजारों हजारों क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना यह हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी उस कर्तव्य का निर्वहन करती है। आज इंदौर का कार्यक्रम हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम टंटिया मामा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और इस बात का संकल्प लेंगे कि उन्होंने जो इस देश की एकता अखंडता के लिए काम किया उसको हम आगे बढ़ाएं। मंत्री जी का सपना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो और उसके पीछे दोनों पक्ष हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बनेंगे तो जो डॉक्टर की कमी है वो पूरी होगी और उसके साथ साथ उन मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध अस्पतालों में लोगों को इलाज मिलेगा और उसके लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। हम लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज बनाने का और उसके साथ ही जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज है उसमें भी सीट वृद्धि के जो प्रस्ताव है उसको भेजा जा रहा है। हमने एक और मैंने एक सुझाव दिया है कि जो हमारे एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज है उसमें दो शिफ्ट में भी पढ़ाई शुरू की जाए जिससे कि मेडिकल की सीटों में वृद्धि हो सके। देखिए, मैंने भी इस बात को लेकर पत्र लिखा है, कमिश्नर नगर निगम को और जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो भी पाइपलाइन डल रही है, जो भी एक्सकेवेशन के काम चल रहे हैं उसका रिस्टोरेशन के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और उसका थर्ड पार्टी क्वालिटी एनालिसिस भी किया जाए। इसके हमने निर्देश दिए और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जो भी खुदाई हो रही है उसके बाद लोगों को दिक्कत नहीं आए, रिस्टोरेशन अच्छे से हो सके, मरम्मत ठीक हो सके और रोड फिर से सही बन सके, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जाए। और यदि इस तरह की कोई भी एजेंसी यदि ये काम ठीक से नहीं करती है तो ये भी निर्देश दिए गए कि उसको नोटिस दिया जाए और उससे ये काम ठीक से करवाने की पूरी व्यवस्थाएं की जाए। डेंगू को लेकर समुचित व्यवस्थाएं और उसके रोकथाम के लिए, उसके जन जागरण के लिए, उसके इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं और ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी जगह पर बरसात का पानी या और कोई पानी इकट्ठा ना हो जहां पर डेंगू का खतरा होता है या वहां के मच्छर डेवलप होने का खतरा रहता है। और उसके लिए जहां स्वास्थ्य विभाग को तो निर्देश हैं ही, उसके साथ ही नगरीय प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग को भी ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के डेंगू के मच्छर ना भागे बढ़े उसकी पूरी व्यवस्था की जाए और इलाज के भी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही है। सर, एनएमसी को एक खतरा बढ़ता जा रहा है और जो सरकारी योजनाएं, देखिए, हमने हेल्थ सर्विसेज को गांव तक पहुंचाया है और खासकर आदिवासी अंचल के गांव तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उचित हो, समुचित हो, इसके सभी प्रबंध किए गए हैं। रिपोर्ट क्या आई है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर उसमें यदि कोई रिकमेंडेशन होगी तो उसका पालन किया जाएगा। डेंगू से लगातार मौतें हो रही हैं, ना बीमार हो। देखिए, कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी और इस तरह की गड़बड़ ना हो उसके पूरे प्रयास करने के भी निर्देश दिए गए और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की मिड डे मील में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी गड़बड़ी मिलेगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़।